और से मिलजुलर आराम और शांतिपूर्वक आपका चुनाव करो, कोई को भी वोट नहीं।
भाई का आपने भूतपूर्व सरपंच बना, आपने तो इलिटरेट पहली मुबारक तू का भाई ये बहुत ही सुनहरा मौका रहा 17 तारीख का। आने वाली 17 तारीख को मन और मत दोनों एक जगह कंट्रोल होने से मन को स्थिर रखोगे तो आने वाले भविष्य में सुचारू एवं सुदृढ़पूर्ण इस ग्राम पंचायत का विकास होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारा सरपंच होगा वो किसी की जेब का सरपंच नहीं होगा। आप डायरेक्ट आओगे इनके पास, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, दावे के साथ कर सकता हूं। किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जाओगे काम कराओगे काम होगा। और अपना दावित्व यही बनता है कि आने वाली 17 तारीख तक कम से कम जो नाराज भाई है उसको मनाए, उसके बाद बात आती है विकास में। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ ग्राम पंचायत को, आप तो वार्ड वाइज विकास का काम लिख के दे देना, अगर वो नहीं हुए तो बता देना। पहले भी मैं जब स्कूल में खड़ा हुआ था तो पहले भी कहा कि वार्ड वाइज आप तो काम बता दो, और कोई भी बंदा ये कह दे कि मैंने काम बताया वार्ड के हिसाब से और काम नहीं हुआ तो खड़ा होकर भी कह सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैं वार्ड में खड़ा था, बाबूलाल ने कहा कि 10 पाइप दूर है, मैंने कहा लिया, झूठ बोलता हूँ तो बता देना 10 पाइप लिया है। बोले 14 पाइप आई और दूर, तो वो ग्राम सेवक के कह का सेंक्शन तो काट दी को नहीं, और तू 14 पाइप और दिलाओ सरपंच जी, मगर तू यार किताब में लिख पाड़ो मैं साइन कर पाड़ो भाई बाबूलाल बता दे गलत बता रही हूँ, मैं तू किताब में लिख पाड़ो मैं साइन कर पाड़ो सेंक्शन के कि काम कराना काम में। और जठा भी यहाँ कह दियो गरेवल सड़क की बात हो चाहे शिशी की हो चाहे नाजी महाराज की हो चाहे कब्रस्ताना की हो चाहे माता जी की, यह कह देने का काम हो ची तो वो चाहे नफो हो या नुकसान हो वो काम हो। और आने वाले टाइम में भी मैं दावा के साथ कहूँ कहते तो ही भाई को सहयोग कर दो, काम चाहे दिल्ली ले आना पड़े गारंटी से कहूँ मैं ताने लिया देश नहीं बनता। और युवा औरत के लिए जो युवा साथी है ये देश के रीढ़ की हड्डी है, युवाओं के लिए बहुत ही आलीशान प्लान बना रखा हमने, ग्राउंड के अंदर भी करेंगे और बच्चों के लिए दौड़ने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, और जहाँ कहीं बच्चे जाएंगे नौकरी के लिए उन वहाँ भी संपर्क करेंगे और जरूर उनकी मदद करेंगे। एक दफा भर्ती निकली, चरित्र प्रमाण पत्र 3 बनते बीरबल जमात प्रोग्रेस, उन बच्चों ने एक एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले गए यार इसे। सुबह की भर्ती रात को मुझे फोन करते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे दो दो और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, हम गाड़ी करके लेके आ रहे हैं। मैंने कहा तुम जयपुर में रेलवे स्टेशन पे रहो, मैं आ रहा हूँ रात के साथ होऊंगा। सुबह दो दो चरित्र प्रमाण पत्र लिए, ठप्पा लगाया और 5 जने नौकरी लगे उनके साथ ही सोया, और अब भी 5 साल तक मैं तहसील के सामने बैठ के बराबर ड्यूटी दी है, यदि कोई भाई कह दे मुझे ये ड्यूटी नहीं दी है। और सब भाइयों का काम कराया, और पिछली दफा भी मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, वोट नहीं दिया उसका भी काम किया, और हमारा सरपंच कोई भेदभाव नहीं करेगा ना किसी के जेब में रहेगा, और कोई मेरी गलती सलती है तो बातों मैंने माफ कर दिया, और मेरी कोई बुराई करे ताने मेरे हिसाब से मेरे गांव का मायने मेरी बुराई कर पाड़ो कम मिलती, मेरे से भलो नहीं हो तो मैं कोई को बुरो बन करो और ओ भाई भी कौन करो लो ते दावा के साग मैं ताने विश्वास में साग कह सुनू आ जनसंख्या दिख रही है ना, इससे अलावा मेरे विश्वास के अनुसार 100 आदमी अभी पर्दे के पीछे हैं,
सारी नजरिया में कोनी और बस वो आदमी पड़ते थे नहीं बहुत आदमी ने बेरा बहुत आवला दड़ा आंदड़ पागली लोगा के विश्वास को नहीं होगा 1580 वोट आज इसी मुबारक है मैं करूं अब भी पड़ते के पीछे शो कौन करना था शो कर जना फिर चुनाव क्या कोसी तो वो एक कर दो जो काम हिम्मत नहीं हार चाचा का टीके सागे ओ चुनाव यहाँ कहते नहीं हो जा कहते नहीं हो जा विश्वास के सागे चुनाव लड़नो है दर्द शक्ति के सागे चुनाव लड़नो है और आने वाले भविष्य में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत रूटों का विकास होगा इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत।